हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ DSSP के बारे में। आप सभी को पता है कि DSSP का फुल फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है TGT की पोस्ट के लिए, और PRT के लिए भी आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। इसके साथ ही जो TGT की वैकेंसीज है उसके दो बड़े अपडेट्स हैं। पहला ये कि एक तरह से आपके लिए खुशखबरी है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन था वो 40 इयर्स हो गया, यानी कि 40 इयर्स तक, 40 साल तक आप फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो पार्ट ए और पार्ट बी आते थे एग्जाम में, TGT के एग्जाम में, उसमें से पार्ट ए में से 40% का पासिंग क्राइटेरिया रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आपको पता है कि CTET क्लियर होना चाहिए, CTET पास होना चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो जो 2 इयर्स आपने पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में वो ही माना जाएगा। आपने 2 साल पढ़े होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स को जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि DSSP ने खुद कहा है कि आप इधर उधर के रूमर्स पर ध्यान ना दें, नोटिफिकेशन खुद पढ़ें। अगर आप कहीं और से न्यूज सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, YouTube पर बहुत सारी वीडियोज हैं, आप उन्हें देखते हैं और आप उन पर मतलब मानकर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी वजह से नहीं है उस पर्टिकुलर चीज में, तो फिर DSSP इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उन्होंने क्लियरली ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स कर दीजिए, और CDP साइकोलॉजी एजुकेशन और साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको कंटेंट समझ नहीं आ रहा हो तो उससे रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपके ये वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।